नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने मेघा पाटकर की अगुवाई में नर्मदा प्राधिकरण के विजयनगर स्थित दफ्तर पर प्रदर्शन किया और सरकार के दोहरे रवैये के खिलाफ नारेबाजी की। डूब प्रभावित लोगों का आरोप है कि पिछली सरकार की नीतियों के कारण उन्हें खामियाजा उठाना पड़ा है, साथ ही मुआवजे की राशि भी पर्याप्त नहीं मिली है। उधर मंत्री हरि बघेल ने भी माना है कि गुजरात और एनसीए मिलकर साजिश कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि पिछली सरकार ने उन्हें एग्रीमेंट से ज्यादा पानी दिया, लेकिन गुजरात ने हमें 57% भी नहीं दी। तमाम मुद्दों को लेकर अब प्रदेश सरकार कोर्ट जाने की तैयारी में है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की जो मंशा है उसकी और हमारी जो सरकार की मंशा है बहुत स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश की जनता का अहित नहीं हो और जो हमारे डूब प्रभावित क्षेत्र के लोग हों उनको जो योजनाओं का लाभ उनको मिलना चाहिए, पुनर्वास को उनको लाभ मिलना चाहिए, उस पर हम आज प्रक्रिया पे हमने आज मेघा पाटकर जी से मीटिंग रखी है। विगत वर्षों से आपने भी देखा होगा कि मध्य प्रदेश की जनता सरदार सरोवर से बाढ़ प्रभावित से बैकवाटर से प्रभावित हो रही है, और विगत 15 वर्षों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। उस सरकार ने जो तथ्य सामने रखे, जो रिपोर्ट सामने रखी, जो सर्वे सामने रखे, उसमें जो उन्होंने बताया उससे आज की स्थिति बड़ी अलग है। गुजरात सरकार जो बांध में पानी भर रही है उससे हमारे क्षेत्र की जनता, प्रदेश की जनता प्रभावित हो रही है। कुछ जगह टापू बन रहे हैं, इसीलिए आज हमने मेघा पाटकर जी और हम लोगों ने मिलकर एक मीटिंग रखी है यहाँ पे। वहीं समाज सेविका मेघा पाटकर का कहना है कि भ्रष्टाचार के मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, मामला विधानसभा में लंबित है। एनसीए में पति पत्नी का राज है, गुजरात में डूब प्रभावितों को पर्याप्त पैसा नहीं दिया, इन सब मुद्दों को लेकर क्या हो रहा है इसका हम जवाब मांगने आए हैं। सबकी मांग है, अभी जो मांगों पर चर्चा चल रही है बहुत सारी मांगे है, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, सा कमीशन की रिपोर्ट लेजिस्लेचर विधानसभा के सामने और वही दलाल आज लगे हुए हैं। हमारी मांग है लीगल एड की, आज गुजरात ने जो पैसा दिया है वो अंतिम बजट नहीं है, हजारों हजारों लोगों की अर्जियां यहाँ प्रलंबित है जीआरए में, और जीआरए का पूर्वी का सर्टिफिकेट बता रहे हैं, अभी के जीआरए को पूछा तक नहीं गया, केंद्र से नहीं एनसीए से नहीं, और एनसीए में पति पत्नी का राज है, आप देखें कि नहीं। एमके सिन्हा एग्जीक्यूटिव मेंबर कार्यपालन सदस्य है और उनकी पत्नी सुमन सिन्हा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है केवल, उनके पास सदस्यत्व किस किस चीज का है, पुनर्वास, पर्यावरण, सिविल इंजीनियरिंग, सब कुछ, वही सेक्रेटरी है, ये दो ही लोग 7 पदों पर विराजमान हैं। ऐसी नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी 1300 किलोमीटर नर्मदा मांग है कछार का आयोजन क्या देखेगी, हमारी मांग है जिस पर अभी चर्चा होगी कि एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त करनी चाहिए जिसमें आंदोलन भी होगा और एक्सपर्ट्स होंगे देश भर के। मैडम बड़वानी में